अच्छा, नाम आपने मेरा नीचे पढ़ लेना है और मैं आपको बताता जाऊँ कि जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर किस किस्म के एरियाज़ होते हैं, कंसोलिडेटेड एरियाज़ क्या होते हैं, हम बात करेंगे नॉन कंसोलिडेटेड एरियाज़ क्या होते हैं, इसी तरीके से हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड एरियाज़ बेस्ड ऑन नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स क्या होती हैं। अच्छा, कुछ भी प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले जो है ना, ये जो आप लहराता हुआ एक फॉर्म ख़रीद लेते हैं, हज़ारों रुपये आप इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी काम का नहीं होता, बाद में आप कहते हैं यार ये पैसे में कमेटी डाल लेते तो ठीक था, तो वो कमेटी आपकी हम डलवाते हैं यहाँ पर, आपको बताते हैं कि आपने करना क्या। आपको सबसे पहले तो शायद पता होगा कि एक मरला जो होता है उसमें 225 SFD होते हैं, कहीं पर 272 भी होते हैं, वो बहरहाल वो जो आपका करम होता है उसका फ़र्क होता है कि एक करम में कहीं पर जो है वो 5.5 फुट होते हैं, कहीं पे 5 फुट होते हैं। जहाँ पे 5 फुट होते हैं उसके अंदर जो है वो 225 SFD का मरला होता है, कहीं पर 272 का होता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस मरले की डिलीवरी। अच्छा, ये भी आपको थोड़ी थोड़ी जो है ना आगाही हम देंगे, या आगाही आपको कोई नहीं देगा, जो जो कहानी हम आपको सुनाएंगे वो सुनने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आपको कोई कहानी करवा नहीं सकेगा। तो लिहाजा अगर आप इस काबिल होना चाहते हैं कि आप अपने पैसे अपनी आँखों के सामने अपने हाथों के साथ इन्वेस्ट करके पैसों को जो है वो बढ़ा सकें और अपनी जो जमा पूंजी है उसको कोई तकवीत बख्श सकें, तो डेफ़िनेटली आपको इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 10 सवाल मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जिसकी वजह से जो है ना आप 80% चांस है कि आप फ्रॉड से बच जाएंगे, लेकिन दरअसल वो 10 सवाल नहीं थे, वो 5 हैं। वो मैंने इसलिए कम कर दिए कि 10 सवाल आपको याद रहने नहीं और आपने पूछने नहीं और आपका फिर नुकसान हो जाना, और आप फिर डेफिनेटली कहेंगे जिसने 10 सवाल बोले थे हमने तो 8 पूछे थे, हमारा नुकसान हो गया। तो डेफिनेटली हम कंसोलिडेटेड सवाल करेंगे, उन कंसोलिडेटेड सवालों के ऊपर रहते हुए अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी जो है वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे, किसी भी टाउन डेवलपर के पास जाएंगे, किसी भी जो है वो लैंड डेवलपर के पास जाएंगे, अब ख्वाह वो ब्राउन लैंड हो, ख्वाह वो जो है ग्रीन लैंड हो, ख्वाह वो पर्पल लैंड हो, जी हाँ पर्पल लैंड भी होती है, सिर्फ ग्रीन लैंड और ब्राउन लैंड नहीं होती, लैंड्स की भी जो है वो क्लासिफिकेशंस हैं, उन क्लासिफिकेशंस के ऊपर भी मैं आपके साथ बात करूँगा। मैं डेफ़िनेटली आपको, हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपको सिर्फ हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करवाना, हमारा मकसद है आपको टीच करना ताकि आप चीज़ों को सीख सकें। रियल स्टेट जो है इसका जो नाम है, इसका जो बेसिकली जो कोर आइडिया है वो है रियल स्टेट ऑफ माइंड। जब तक आप रियल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है तो आप रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट ना करें। यू कैन इन्वेस्ट इन मेनी अदर वेज, क्रिप्टो में कर लें, पर पैसे अगर बर्बाद ही करने हैं तो पैसे आप तभी बर्बाद करते हैं जब आप यहाँ पर जो है ना आप हड्डियों के डॉक्टर के पास दांतों का इलाज करवाने चले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है, वो मैंने अपने किसी दोस्त को सुनाई थी, लेकिन वो जो है वो शायद यहाँ पर लंबी हो जाए, वो सुनाऊँगा नहीं, लेकिन बात ये है कि अगर आप एक सुपर चार्ज गाड़ी लेकर जो है किसी ऐसे मैकेनिक के पास जाएंगे जिसको सुपर चार्ज गाड़ी का काम ही नहीं आता, और वो आपकी गाड़ी में अगर चार्जर फिट करने बैठ जाएगा, तो डेफ़िनेटली आप उस नुकसान के खुद ज़िम्मेदार हैं, वो नहीं है, क्योंकि वो सुपर चार्ज गाड़ियों का काम करता है, चार्जर वाली गाड़ियों का काम नहीं करता। तो तहकीक करना जो है वो आप पर फ़र्ज़ भी है और आप पर वाजिब भी है। तो लिहाजा आप ये जो दाएँ बाएँ की वीडियोज़ देखते हैं कि इतने दिनों में पैसे डबल हो जाएंगे और आपकी अभी चीज़ बनी नहीं है, तैयार नहीं हुई है, उसके ऊपर किराया आपको आना शुरू हो जाएगा, 5 लाख के साथ 5 लाख मिल जाएंगे, फाइल हो गई, फाइल रेट चढ़ गया, फाइल उतर गया, माल कट गया, ऑन चल गया, ऑन चढ़ गया, इन तमाम आपको जो ये जो एम्बिग्विटीज़ हैं इससे हम निकालेंगे और इंशाल्लाह ताला हम आपको एक ऐसी स्टेज पर ला कर खड़ा कर देंगे जहाँ पर आप ये कह सकेंगे कि डेफ़िनेटली यू हैव हिट अ सेंचुरी।